नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का। बॉलीवुड धमाल, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। खबर कार्तिक आर्यन की मूवी से जुड़ी है, जो कि अब लगातार उस मूवी को लेकर नई नई बातें सामने आ रही है। शहजादा मूवी, जो कार्तिक आर्यन की नई मूवी है, इस नई मूवी को लेकर कार्तिक की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। बॉलीवुड धमाल कि मैं आज हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन की। चार्मिंग एक्टर कार्तिक आर्यन हालिया रिलीज हुए फिल्म भूल भुलैया 2 के बम्पर सफलता के बाद अब अपनी नई फिल्म शहजादा की तैयारी में जुट गए हैं। एक्टर ने अपने हालिया पोस्ट में शहजादा से संबंधित अपडेट शेयर किया और बताया कि उन्होंने इसकी शूटिंग शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पहले फिल्म की शूटिंग मॉरिशियस में हुई थी। कार्तिक ने शूटिंग सेट से ही अपनी एक ब्लर फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी। इस फोटो में 3 ग्लास ड्रिंक दिख रहे हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड में कार्तिक आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए लाइट ऑरेंज शर्ट में दिखाई दे रहे। इस फोटो को शेयर करते हुए कार्तिक ने कैप्शन में लिखा शहजादा ड्रिंक्स। इसके अलावा कार्तिक ने शूटिंग के सेट से एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने फिल्म के लोकेशन के बारे में बताया। वही फिल्म का एक क्लिप बोर्ड भी सामने आया है, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने फैंस को दी है। शहजादा में कार्तिक आर्यन पहली बार एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शहजादा के डायरेक्टर रोहित धवन ने दुनिया भर के कुछ बेहतरीन स्टंट डायरेक्टर्स को चुना है। ऐसे में कार्तिक काफ़ी लंबे वक्त से फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और अब उनका इंतज़ार खत्म हो गया है। इसको लेकर वो तैयारियों में जुट गए हैं। शहजादा फिल्म अल्लू अर्जुन की अला वेंकुटपुरम ब्लो की हिंदी रिमिक है। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस कृति सेनन नजर आएंगी। इससे पहले लुका छिपी में कार्तिक कृति जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। कार्तिक कृति के अलावा फिल्म में परेश रावल, मनीषा कोइराला, रोनित रॉय और सचिन खंडेकर महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। शहजादा के बाद कार्तिक फिल्म फ्रेंडी और फिल्म कैप्टन इंडिया, उसके बाद सत्यनारायण की कथा में भी काम करते दिखाई देंगे। इससे पहले कार्तिक को फिल्म भूल भुलैया 2 में देखा गया, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। इस फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कमाई के रिकॉर्ड को छुआ। 250 करोड़ से भी ज़्यादा का जो आंकड़ा है इस फिल्म ने छुआ। तो कार्तिक आर्यन, जो कि अब लगातार सफलता पाते जा रहे हैं, हिट पे हिट अपनी नई नई फिल्में देते जा रहे हैं और अब अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर वो काफ़ी चर्चाओं में है। उनकी नई फिल्म जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, इसको लेकर उनकी फिल्म शहजादा जिसका नाम है, इसको लेकर उन्होंने कई सारे पोस्ट किए हैं। एक इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर भी किया था, जिसमें शहजादा का क्लिप बोर्ड नज़र आ रहा है, साथ ही साथ 3 ड्रिंक के ग्लास भी नज़र आ रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर भी वो पोस्ट देख सकते हैं, कार्तिक आर्यन का वो पोस्ट जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो किस तरीके से अब नई मूवी के साथ कार्तिक आ रहे हैं। इससे पहले कि कार्तिक की अगर बात की जाए तो भूल भुलैया 2 में नजर आए थे। भूल भुलैया 2 जो कमाई के मामले में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। यह एक ऐसी मूवी है जिसने जब से रिलीज हुई है तब से लेकर पहले दिन से लेकर और अब तक जो है बरकरार है कमाई के मामले में। सफलता के पैमाने तोड़ती हुई यह फिल्म निकलती जा रही है आगे, लगातार कमाई के मामले में नया रिकॉर्ड छूती जा रही है। तो किस तरीके से दी कश्मीर फाइल्स के बाद अब जो बात करते हैं कमाई के मामले में, तो भूल भुलैया 2 को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और अब जो उनकी नई मूवी आएगी उसमें कृति सेनन उनके साथ नज़र आएगी। कृति अगर बात की जाए कृति की, तो कृति के साथ उनकी पहली जो इससे पहले भी एक मूवी आई थी जिसे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है और अब इसी कड़ी में अगर बात की जाए इसमें कौन कौन से और एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस मौजूद रहेंगी, तो बात की जाए इसमें रोनित रॉय भी होंगे, सचिन खंडेकर होंगे और मनीषा कोइराला भी इसमें जो है नज़र आएंगी। अब फिर बात की जाए अगर कॉमेडी की, जब भी बात आती है कॉमेडी की तो परेश रावल की कॉमेडी को काफ़ी पसंद किया जाता है और इसमें इस फिल्म में वो भी नज़र आएंगे। तो यानी कि ऐसे में कॉमेडी के पैमाने टूटना तो लाजमी है। कॉमेडी भी आपको देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ काफ़ी दिलचस्प है ये फिल्म शायद। और लगातार जिस तरीके से फिल्म को लेकर जो पोस्ट सामने आ रहा है, कार्तिक आर्यन लगातार इसको लेकर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा रील्स बनाते हैं, उन्हें रील्स बनाने का शौक़ है, लगातार वीडियोज़ भी बनाते हैं इसको लेकर और साथ ही साथ कई सारे पोस्ट भी उन्होंने अपनी फिल्म को लेकर किए हैं। फिल्म पे मेकर्स ने काफ़ी पानी की तरह पैसा बहाया हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प है कि भूल भुलैया 2 की तरह कार्तिक के इस फिल्म यानी कि शहजादा को भी उतना प्यार मिल पाता है क्या। शहजादा और फिल्मों की तरह कार्तिक के ये भी कमाई के आंकड़ों को छू पाती है। जिस तरीके से भूल भुलैया 2 की बात की जाए तो 250 करोड़ का आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है।
जो कि किसी भी फिल्म के लिए बहुत मायने रखता है। मेकर्स में जो इस फिल्म को बनाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर और जो डायरेक्टर होते हैं, जो पानी की तरह पैसा बहाते हैं किसी भी फिल्म को बनाने में, तो उनके लिए काफ़ी मायने रखता है जब फिल्में हिट होती हैं। और अब जब जिस तरीके से कार्तिक की नई मूवी आ रही है, नई मूवी को लेकर वो चर्चाओं में बने हुए, तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि आने वाली फिल्म को क्या और दर्शकों की ओर से इतना प्यार मिल पाएगा कार्तिक और कृति की जोड़ी को, या फिर उस दोबारा वो प्यार मिल पाएगा स्क्रीन पर आने के बाद इनकी जोड़ी को, क्या दोबारा वही प्यार मिल पाएगा जो इनकी और फिल्मों को मिला है। और काफ़ी लंबे समय बाद ही अपना एक नया प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, वो भी कृति के साथ। इससे पहले कियारा के साथ इनको देखा गया तो उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया, एक फैमिली ड्रामा था। और साथ ही साथ बात की जाए अगर कार्तिक की, तो कार्तिक कॉमेडी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं, अपनी कॉमेडी की वजह से भी जाने जाते हैं। अब ये जो फिल्म है, इस फिल्म में एक चीज़ तो है कि ये एक फैमिली ड्रामे से भरपूर, साथ ही साथ कॉमेडी से भरपूर। अब इस फिल्म में एक और बड़ी बात यह है कि अब तक आपने कार्तिक को एक्शन करते हुए इतना नहीं देखा हुआ, लेकिन इस फिल्म में आपको कार्तिक एक्शन करते हुए भी नजर आएंगे, तो हो सकता है कि इसमें आपको स्टंट करते हुए भी वो दिखाई दें। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म जब रिलीज होगी तो उसको जनता से कितना प्यार मिलेगा, दर्शकों में फिल्म को लेकर जो क्रियोसिटी बढ़ रही है, लगातार जो है उत्सुकता बढ़ रही है, एक्साइटमेंट बढ़ रही है आने वाले समय में कार्तिक के लिए, वो कितनी ज़्यादा सफलतापूर्वक रहेगी और ये फिल्म जो है कमाई के मामले में कितना जो है स्तर बढ़ा पाएगी लगातार जिस तरीके से, और फिल्मों को क्या कार्तिक की और फिल्मों से भी ज़्यादा ये जो फिल्म है शहजादा कमाई का आंकड़ा छू पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। सलमान की भाभी मलाइका पर उनका ग्लैमरस लुक भारी पड़ गया। दरअसल उनके ग्लैमरस लुक की वजह से वो ट्रोलिंग का शिकार हो गई, और ट्रोलिंग भी ऐसी कि आप भी देखें तो दंग रह जाएं। जिस तरीके से लगातार वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं, हमने कुछ ट्रोलर्स के जो हैं ट्रोल्स शेयर किए हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बॉलीवुड की सुपर ग्लैमरस मलाइका अरोड़ा जहाँ भी जाती हैं बस छा जाती हैं। रविवार को मलाइका मुंबई के मिस इंडिया इवेंट में पहुंची, इसमें मलाइका की आउटफिट की वजह से वो काफी ज्यादा चर्चा में थी। अब हमारी स्क्रीन पर मलाइका की आउटफिट देख सकते हैं और साथ ही साथ वो नेकलेस भी देख सकते हैं जो उन्होंने अपने गले में पहना, जिसे लोग जिस वजह से वो ट्रोल हो रही हैं, इसे सलमान का ब्रेसलेट बता के ट्रोल किया जा रहा है किस तरीके से। और उसके बाद बात की जाए अगर उनके ट्रांसपेरेंट गाउन की, तो उस वजह से भी उन्हें काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर किरकिरी का सामना करना पड़ा, आलोचनाएं हो रही हैं, ट्रोलर्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं, और किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं ये भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक के बाद एक जो ट्रोल्स आ रहे हैं आप हमारी स्क्रीन पर वो देख सकते हैं। लोग उन्हें पहले तो उन सलमान खान के ब्रेसलेट की बात की जाए तो उनके नेकलेस को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, साथ ही साथ उनकी जो गाउन है उसकी भी आलोचनाएं की जा रही हैं। बहुत बहुत जो ट्रोलर्स हैं लगातार उन्हें उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपने गाउन की वजह से, जो ट्रांसपेरेंट गाउन है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। गोल्डन कलर का गाउन है जिसे काफ़ी ज़्यादा लैमलाइट में रहा, चर्चा में रहा वो पूरे जो इवेंट के दौरान, वो जब इस स्टेज पर आई किस तरीके से जो है फोटोग्राफर्स जो हैं सारे जो मीडिया पर्सन्स हैं उन्होंने जब उनकी फ़ोटोज़ ली और जब ये फ़ोटो इंटरनेट पर गई तो ये फ़ोटो तेज़ी से वायरल हो गई, जिसमें कि कई ट्रोलर्स के निशाने पर मलाइका आ गई अपने गाउन की वजह से। कितनों ने कितनों ने उन्हें कैंडल कहकर भी संबोधित किया और बहुत से कमेंट, किसी ने उन्हें बुढ़िया कहकर संबोधित किया, तो किस तरीके से जो है ऐसे ऐसे कमेंट उन्हें सुनने को मिल रहे हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले भी मलाइका का एक वीडियो आप सभी के सामने आया होगा, जिम से बाहर निकलता हुआ वीडियो, जिसमें कि बॉडी शेमिंग को लेकर भी वो ट्रोल हुई थी। किस तरीके से जो है लगातार जो है एक्ट्रेस और एक्टर को जो सोशल मीडिया पर जो बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं, और दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जो आलोचक होते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना होता है, इससे पहले भी बात की जाए जिम से जब वो बाहर निकल रही थी वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, इतना ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत से लोगों ने उस पर मीम्स भी बनाए थे, शायद आप सभी को वो वीडियो याद होगा। तो लगातार जो मलाइका है वो ट्रोलर्स के निशाने पर रहती है, कभी अपने रिलेशनशिप को लेके अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की वजह से, जो लगातार वो अपने रिलेशनशिप है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होती हैं, और अब जो है अपनी ड्रेस को लेकर, अपने ग्लैमरस लुक को लेकर वो चर्चा में है। चर्चा तो है ही, कुछ लोग उन्हें उनके इस लुक को पसंद भी कर रहे हैं, उनके फैंस को ये लुक भा रहा है, तो वहीं दूसरे जो है वो ट्रोलर्स हैं जिनका काम सिर्फ ट्रोलिंग करना है
और लगातार जो है इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ ट्रोलर्स के कमेंट्स तो ऐसे हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। तो जिनके कमेंट्स हम आपको दिखा सकते हैं वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है सलमान की भाभी को ट्रोल किया गया है, मलाइका को ट्रोल किया गया है, तो किस तरीके से, और साथ ही साथ उनके जो नेकलेस को हम आपको नेकलेस दिखाएंगे कि जो उनका नेकलेस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा इस पूरे पार्टी, इस पूरे इवेंट के दौरान उनका नेकलेस काफ़ी चर्चा में रहा। नेकलेस को देखकर साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो सलमान के ब्रेसलेट से थोड़ा सा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सलमान का जो ब्रेसलेट है जो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ब्लू कलर का ब्रेसलेट है, और जो नेकलेस है उसका जो स्टोन है वो उससे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं वो नेकलेस जो कि उन्होंने अपने गले पर पहना हुआ है। तो किस तरीके से जो है लगातार जो मलाइका है कभी अपने रिलेशनशिप को लेकर तो कभी अपने अपनी फिटनेस को लेकर भी वो ट्रोलिंग का शिकार होती रहती हैं, और ये इससे कोई ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल किया जाता है। कभी कंगना जो है वो ट्रोलिंग का शिकार हो जाती हैं अपने विवाद अपने बयानों की वजह से, तो कभी कमाल खान अपने बयानों की वजह से ट्रोल हो जाते हैं। तो लगातार जो ट्रोलिंग है, ट्रोलर्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। जब एक तरफ कहते हैं कि जहाँ पर कुछ जहाँ पर ज़्यादा मिठास है वहाँ थोड़ी बहुत कड़वाहट हो ही जाती है, तो कुछ अच्छे लोग भी हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो डीमोटिवेट करते हैं इस तरीके से। और बात की जाए अगर उनके गाउन की, तो माशाल्लाह उनका गाउन बहुत सुंदर था और उसका लुक काफ़ी देखते हुए बना। गोल्डन कलर के गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तो जिस तरीके से लगातार ट्रोल हो रही है मलाइका, और आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार अब बात की जाए अगर उनकी बैकग्राउंड को लेकर, तो अभी वो शायद किसी शो का हिस्सा भी बहुत जल्द बनने वाली हैं, और देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में वो किस शो का हिस्सा बनेगी। फिलहाल अगर बात की जाए फिल्म को लेकर, तो अभी काफ़ी समय से वो उनकी कोई नई फिल्म भी नहीं आई, ना किसी आइटम सॉन्ग्स में वो नज़र आ रही हैं, तो अभी काफ़ी समय से वो बॉलीवुड से दूर हैं। फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से वो ज़्यादा ट्रोल होती रहती हैं, और साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अक्सर वो ट्रोल हो जाती हैं, मगर अभी फ़िलहाल वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से ट्रोल हो रही हैं। दी कश्मीर फाइल्स के बाद अब कागज़ 2 जो सुर्खियों में है, अजय देवगन ने इस मूवी को न सिर्फ डायरेक्ट किया है बल्कि इसमें उन्होंने बतौर एक्टर भी काम किया है। इसमें वो तब्बू के साथ नज़र आएंगे। काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प जोड़ी है दोनों की। इससे पहले गोलमाल 2 रिटर्न्स में वो नज़र आए थे साथ में। फिल्म कश्मीर फाइल्स के बाद लाइमलाइट में आने वाले दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर संग स्क्रीन साझा करते हुए नज़र आएंगे। दरअसल फिल्म कागज़ 2 में अनुपम खेर और सतीश कौशिक संग नज़र आएंगे। अपने इस लुक को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। दी कश्मीर फाइल्स के बाद अभिनेता दर्शन कुमार ने कागज़ 2 की शूटिंग के दौरान अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि दो दिग्गजों के साथ अपना काम करने का मौका मिल रहा है, और सतीश कौशिक ने अपने पहले ब्रेक दिया था इसलिए उनके साथ एक बार फिर साथ काम करने के सम्मान की बात है। एक्टर ने कहा कि जिसे हमेशा संजोकर रखूँगा। और वहीं बात की जाए अगर अनुपम खेर को लेकर, तो अनुपम खेर इसमें नज़र आएंगे। तो किस तरीके से जो है लगातार जो है ये मूवी को लेकर चर्चाएं जारी हैं। माफ़ कीजिएगा, कश्मीर फाइल्स के बाद जो ये कागज़ 2 मूवी आएगी इसमें अनुपम खेर नज़र आएंगे सतीश कौशिक के साथ, जिसमें कि अनुपम खेर और कौशिक की जोड़ी देखने को मिलेगी। जब हम बात कर रहे थे तब्बू के साथ जोड़ी की, तो वो भोला फिल्म की बात हो रही थी, और अब यहाँ पर बात करते हैं कागज़ 2 के बारे में। तो इसमें अनुपम खेर के साथ है जो कौशिक नज़र आएंगे। दी कश्मीर फाइल्स जो कि कश्मीरी पंडितों पर आधारित एक मूवी है, जिस पर कि काफ़ी ज़्यादा जो चर्चा में रही, इसने काफ़ी ज़्यादा
कमाई के रिकॉर्ड्स भी छुए, कमाई के मामले में भी ये नंबर वन निकली। और अब जो मूवी है वो है कागज़ 2, जो कि इस मूवी में साथ में नज़र आएंगे दो अभिनेता, एक तो अनुपम खेर और दूसरे सतीश कौशिक, जो अपनी कॉमेडी की वजह से भी साथ ही साथ एक्टिंग की वजह से भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो कश्मीर फाइल्स को कई जगह पर बात जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी इसे कई जगहों पर टैक्स फ्री कर दिया गया था। कश्मीर फाइल्स को लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे, बहुत से स्टेट ऐसे थे जहां पर इन्हें टैक्स फ्री कर दिया था इस फिल्म को, दी कश्मीर फाइल्स को। और अब जो मूवी है वो है कागज़ 2, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं कि अनुपम खेर के साथ जो है एक बार फिर नज़र आएंगे सतीश कौशिक की जोड़ी। अनुपम खेर की बात की जाए तो वो काफ़ी समय से जो है फिल्मों से दूर थे, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स आई तो उसमें उनका काफ़ी अच्छा अभिनय देखा गया। उसके बाद अब जो है कागज़ 2 में वो एंट्री ली है उन्होंने, अब कागज़ 2 की शूटिंग भी जारी है। तो अब देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में कि जो उनकी फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, दी कश्मीर फाइल्स, उसी तरह क्या कागज़ 2 को भी ऑडियंस के बीच आकर वही प्यार सम्मान और आने वाले कल में जो दर्शकों की दर्शकों का जो एक्साइटमेंट है इस फिल्म की तरफ कितना बढ़ता है। देखना दिलचस्प होगा कि कमाई के मामले में ये फिल्म कितने रिकॉर्ड छूती है। कागज़ 2 को लेकर जो चर्चाएं लगातार जारी हैं, इसमें दो एक्टर हैं, एक तो अनुपम खेर और दूसरे सतीश कौशिक, दोनों को अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों एक एक्टर के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन भी है। इनकी कई सारी फिल्मों में कॉमेडी भी देखने को मिली है और अब दोनों साथ में नज़र आएंगे तो किस तरीके से जो है अब काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं इस मूवी को लेकर। देखना दिलचस्प है कि आने वाले समय में कागज़ 2 जब रिलीज़ होगी तो जनता का इसे कितना प्यार मिलता है, क्या कश्मीर फाइल्स की तरह ये फिल्म भी जो है वो कमाई के रिकॉर्ड को तोड़ पाती है, क्या ये फिल्म भी कश्मीर फाइल की तरह सुपर हिट हो पाती है, देखना दिलचस्प होगा। फिल्म भोला की शूटिंग में इन दिनों अजय देवगन बिजी है। अजय देवगन ने इस फिल्म को न सिर्फ डायरेक्ट किया है बल्कि इसकी स्क्रिप्टिंग भी की है, साथ ही साथ इसमें वो एक्ट भी करते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। इन दिनों वो अपनी अपकमिंग मूवी भोला के लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी है, जो तमिल की सुपरहिट फिल्म कैथी का रीमेक है। अजय देवगन ने इसी साल अप्रैल के महीने में अपनी इस फिल्म का ऐलान किया था। तब इस फिल्म के निर्देशक के तौर पर धर्मेंद्र शर्मा का नाम सामने आया था, लेकिन अब अजय देवगन खुद इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे। अजय देवगन के निर्देश में बनने वाली ये फिल्म चौथी फिल्म होगी। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि अजय देवगन अपनी अपकमिंग फिल्म भोला का निर्देशन खुद ही कर रहे हैं, जो एक एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ बतौर लीड एक्ट्रेस तब्बू नजर आएंगी। हालांकि ये फिल्म फ्लोर पर काफी पहले ही आ चुकी है। अजय देवगन कई स्थानों पर नियमित अंतराल पर शूटिंग कर रहे और बीते महीने ही हैदराबाद में इस फिल्म का एक शेड्यूल की शूटिंग खत्म हो गई है। दावा किया जा रहा है कि 20 अगस्त तक इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो अजय देवगन जो अपनी नई मूवी के साथ आ रहे हैं, इस मूवी में ना सिर्फ वो एक्ट करेंगे बल्कि साथ ही साथ उन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन भी किया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि उनकी इस मूवी को कितना प्यार मिलेगा। साथ ही साथ इस दिलचस्प बात यह है कि इसमें तब्बू के साथ वो नजर आएंगे। इससे पहले तब्बू के साथ उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। गोलमाल रिटर्न्स की बात की जाए तो उसमें वो नजर आए थे, तो अभी इसमें स्क्रीन करते हुए वो तब्बू के साथ नजर आएंगे। तब्बू की बात की जाए तो तब्बू एक सीरियस जॉनर की एक्ट्रेस है, जो सीरियस जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत इजीली निभाती हैं। और अब अजय देवगन की बात की जाए तो वो कॉमेडियन भी हैं, कभी कभार उनकी मूवी में कुछ मूवीज़ में उनकी कॉमेडी देखने को मिली है। तो देखना दिलचस्प है कि और अब जब उनकी बात आती है इस भोला मूवी को लेकर, तो इसमें एक्शन का जो एक्शन से भरपूर सीक्वेंस है, थ्रिलर है, आपको देखने को मिलेगा। अब एक्शन के साथ है ये मूवी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टंट भी हो सकते हैं, आपको स्टंट भी देखने के लिए मिलेंगे। जो लोग स्टंट को पसंद करते हैं तो स्टंट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बात की जाए इस मूवी की तो ये फिल्म, ये जो मूवी है भोला, ये तमिल की सुपरहिट मूवी कैथी का रिमेक है। मतलब कैथी की जो स्टोरी है, जो तमिल सुपरहिट मूवी है, उसी की इर्द गिर्द इसकी कहानी है। भोला जैसे भोला फिल्म जो अजय देवगन ने इसे ना सिर्फ प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है, साथ ही साथ इसमें वो बतौर लीड भी काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से एक मल्टी टास्क वो निभा रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं अजय देवगन। और अब जो है अब ये बात की जाए उनके, इससे पहले वो
चार मूवी पहले भी इसी तरह से प्रोड्यूस कर चुके हैं, डायरेक्ट कर चुके हैं, और अब और आजकल देखा गया कि जिस तरीके से जो है जो एक्टर हैं वो अब उनका जो रुझान है वो डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग इस तरफ ज़्यादा जा रहा है उनका, और साथ ही साथ स्क्रिप्टिंग पे। जैसे कि बात की जाए शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान ने भी इससे पहले कई मूवीज़ में पानी की तरह पैसा बहाया था, उसके बाद डायरेक्शन भी किया है। और बात की जाए अगर अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की ओर से भी कई सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने डायरेक्शन किया है। तो अब जो है एक्टर नहीं रह गए, वो उसके फिल्मों के अलावा भी, एक्टिंग के अलावा भी वो डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाते हुए नज़र आते हैं। आमिर खान भी अक्सर डायरेक्शन की कई फिल्मों का डायरेक्शन करते हुए नज़र आए हैं। तो किस तरीके से जो लगातार है बॉलीवुड में अब सीमित जो दायरा है वो नहीं रहा है, एक्टिंग के अलावा भी डायरेक्शन और प्रोड्यूसिंग की तरफ जो एक्टर का रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो भोला मूवी है उसको ऑडियंस के बीच जाकर कितना प्यार मिलता है, और कमाई के मामले में ये मूवी कितने रिकॉर्ड को छू पाती है। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।